सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो है हाउ टू मेक नोट्स। सो ये ऐसा टॉपिक है जो एक ना एक समय पर हर बच्चे को बहुत कंफ्यूज करता है और सोचता है कैसे बनाए नोट्स, मतलब किस तरीके से बनाए नोट्स। लेकिन उससे एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम क्यों बनाए नोट्स, मतलब हम नोट्स बनाते हैं, नोट्स सब लोग कहते हैं बनाने को, क्यों बनाए, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। पहले उसके बारे में बात करते हैं हम लोग। सो गाइस, सच में नोट्स मेकिंग का एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंस है हमारी लर्निंग लाइफ में। ऐसे ही गाइस, हम किसी चीज़ को याद करते हैं या फिर हम किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं बुक से, तो गाइस हमें उस टाइम तक तो बहुत जल्दी याद हो जाती है। मतलब हम जैसे कुछ पढ़ा, हमें वो हमारे दिमाग में रह गया, हमने वो उसे याद कर लिया और हमें लगा हमें सब कुछ याद हो गया। पर क्या होता है गाइस, थोड़े टाइम बाद हम देखते हैं, हम जब उसे दोबारा लेके बैठते हैं, हम उसे दोबारा रिवाइज करें, तो हम उसे बिल्कुल ही भूल जाते हैं, हमें याद नहीं रहता कि हमने क्या पढ़ा होता है। तो गाइस, इसीलिए हम नोट्स बनाते हैं, मतलब जो हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, लर्निंग थिंग होती है, उसे हम नोट करके रख लेते हैं। अब गाइस, सबसे बड़ा सवाल जो इस वीडियो का मोटिव है कि हाउ टू मेक, हम कैसे बनाएं। सबसे आसान तरीका जो मैं भी करता था पहले, वो था गाइस चीटिंग। डायरेक्ट किसी भी यूट्यूब पर डाला, PDF मिल गई, वहाँ से पूरा चीट कर लिया। लेकिन गाइस वो गलत तरीका था, मुझे भी अभी पता चला। तो गाइस, अब दिमाग में सवाल आता है कि किया क्या जाए, व्हाट टू डू। तो गाइस, सबसे पहला तरीका होता है रीड दैट चैप्टर, मतलब गाइस उस चैप्टर को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। उसमें जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो लाइंस हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, उसे आपको हाईलाइट करना है या फिर पेंसिल से मार्क कर लेना है। दूसरा पॉइंट गाइस जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो गाइस मेक योर ओन, मतलब अपने खुद के नोट्स होने चाहिए गाइस। इससे गाइस दो चीज़ें होती हैं, पहली हम खुद बनाते हैं तो हमारे दिमाग में वो रहता है कि हाँ ये हमने खुद बनाई है, तो हमें थोड़ा थोड़ा पहले से याद होने लगता है। दूसरा फ़ायदा आएगा इस अपने नोट्स बनाने का कि आपको अपने वे में पढ़ाई करने का आदत पड़ जाएगा। मतलब जैसे कि किसी और के नोट्स आपने लिए, बाई चांस आपने अपने दोस्त के नोट्स लिए, उस दोस्त ने कुछ शॉर्ट फॉर्म बना रखे हैं, किसी चीज़ का कुछ सिंबल्स बना रखे हैं, वो आपको नहीं पता, तो वो आप अपने वे से स्टडी नहीं कर पाओगे। आप अपने नोट्स बनाओ, अपने आप शॉर्ट फॉर्म लिखो, अपने आप अलग अलग क्रिएटिव थिंग्स से वो नोट्स बनाओगे, तो आपकी तैयारी और अच्छे से हो पाएगी। उसके बाद गाइस चीज आती है कि व्हाट वी वांट, मतलब मैंने आपको बताया था कि पहले मैं भी यूट्यूब पर सर्च करता था कि हाउ टू मेक नोट्स और थिंग, तो मुझे हर जगह यही मिला कि आप बहुत क्रिएटिव नोट्स बनाओ, ड्राइंग यूज़ करो, उसमें कलरफुल पेन यूज़ करो। लेकिन गाइस रियली मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाता था कि मैं अपने नोट्स पे ही इतना सारा टाइम निकाल दूं कि मैं उन पे कलर्स करूं, उन पे क्रिएटिव पेन यूज़ करूं, है ना गाइस। तो अगर आप 11th 12th के हो स्टूडेंट, तो आपको ये अंदाज़ा होगा कि आप पे कितना कम टाइम होगा नोट्स बनाने के लिए। तो गाइस मेरी तरफ से तो यही है कि आप नोट्स बनाओ, अपने गाइस अपना दिमाग का यूज़ करो और कोई से पेन का यूज़ करो। ज़रूरी नहीं है कि आप क्रिएटिव बनाओ, ड्राइंग करो, अगर आप पे टाइम है तो आप करो, अच्छा रहेगा, आपको और मज़ा आएगा पढ़ने में कि हमें भैया कितने, मतलब बहुत ही अट्रैक्टिव लगेंगे आपके नोट्स। बस अट्रैक्टिव दिखाने के लिए गाइस इतना टाइम लगाना पड़ेगा। अगर आप है टाइम तो आप बनाओ, नहीं है टाइम तो गाइस छोड़ो, उसकी कोई नीड नहीं होती है। देन गाइस आपको कुछ नहीं करना है, बस फिर आपने जहाँ जिस बुक से पढ़ी है और जिससे आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिखे हैं, उसी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आप हेडिंग बनाओ और थोड़ा थोड़ा उनके बारे में लिखते जाओ। बिल्कुल ही थ्योरी वाले नोट्स मत करो और बिल्कुल भी शॉर्ट फॉर्म वाले नोट्स मत करो। मतलब जैसे कि मैं करता हूं कि मैं ऐसे मैं किसी से लेक्चर लेता हूं, अपने किसी कोचिंग में जहां पढ़ता हूं, वहां जैसे मैंने पढ़ा, उन्होंने जो लिखवाया, जो उनकी अंडरस्टैंडेबल वाली लैंग्वेज थी, मैंने उसे उतार दिया रफ में। अब उनकी जो लैंग्वेज थी उसको मैंने अपने नोट्स में उतारा, साथ ही साथ उसे थोड़ा इंग्लिश में लिखा, मतलब ऐसे जैसे उन्होंने समझाया कोई चीज़, तो उसको उन्होंने समझाने वाली लैंग्वेज में लिख दिया। उसके बाद मैंने थोड़ा उसे थ्योरेटिकल वे में रिप्रेजेंट कर दिया अपने नोट्स में, एज गाइस जस्ट फॉर एग्जांपल। अब गाइस उस मेरे पुराने नोट्स देख सकते हो कि मैंने कैसे लिखा है, मतलब थ्योरी भी है साथ में डायग्रामेटिक भी है, और जो मैंने गाइस ये ब्लैक मार्कर से लिखा है गाइस, ये केवल हेडिंग को दिखाने के लिए है। गाइस देख सकते हैं आप किस तरीके से बनाए हैं मैंने, देख सकते हो गाइज केमिस्ट्री के नोट्स हैं गाइज। अब ऐसा केमिस्ट्री में ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होती है, थोड़ा उसमें ज़्यादा थ्योरेटिकल करके लिख दिया है ना। इसी तरीके से नोट्स बनाने होते हैं, पहले खुद पढ़ो उसके बाद अपनी लैंग्वेज में लिखो। सो गाइज आई होप कि ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगी। गाइज नोट्स की ज़्यादा टेंशन ही लेनी होती है, नोट्स अपने लिए होते हैं, अपनी प्रिपरेशन के लिए होते हैं, हमको अपनी प्रिपरेशन बढ़िया करनी होती है, इसलिए हम नोट्स बनाते हैं। गाइस मैं नहीं कह रहा नोट्स की आप किसी को हेल्प मत लो, बिल्कुल खुद ही करो, है ना गाइस। आप किसी यूट्यूबर की मतलब यूट्यूबर देते हैं नोट्स देते हैं, उनके नोट्स आप यूज़ कर सकते हो, मतलब उनको पढ़ लो एक बार फिर अपने बनाओ, मतलब जितने अपने रहते हैं ना गाइस उतने ही
आपके लिए फ़ायदेमंद रहते हैं नोट्स। तो ये अगर आपको कोई डाउट हो इससे रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। सो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।